केबल दिया है टाइप सी केबल और ये दो रिचार्जेबल बैटरीज है आपको मिल जाते हैं इसके साथ में। जस्ट आपको इसमें क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। Hey guys, welcome back to another video. आज मेरे पास है एक वायरलेस माइक्रोफोन जो कि एटिंग की तरफ से है, देख सकते हो ऐसा कुछ इसका बॉक्स है एंड हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, सब कुछ देखेंगे। सो इस चैनल को करना है क्या है, सब्सक्राइब फॉलो करना है इंस्टा पे एंड फेसबुक पे भी कर सकते हो। और काफ़ी लोगों को वायरलेस माइक्रोफोन लेना होता है एंड उनकी जो प्राइसेस होती है लाइक अराउंड 5,000-4,000 के मिल जाता है, ठीक है। बट इसमें आपको कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा क्योंकि इसके साथ जो रिसीवर होता है ना वो आपका रिचार्जेबल रहता है। जब आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी और फीचर्स वगैरह क्या क्या है। एंड इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट बॉक्स में दोनों, तो आप चेकआउट कर लेना। और इसमें आपका डुअल माइक एंड वन रिसीवर वाला भी मिलता है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो करते हैं शुरू अनबॉक्सिंग। यहाँ तो ऐसा कुछ इसका पैकेजिंग है और हम लोग इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो ये कुछ इससे निकल जाएगा। फोम दिया है फॉर सेफ्टी, इसको रखते साइड में और ये रहा साइड में। और ये कुछ ऐसा इसका बॉक्स है और बॉक्स की जो क्वालिटी है मतलब कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है, देख सकते हो आप काफ़ी सही है। प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन हेडन का है और ये इसका मॉडल है HYWVD07 देन आई थिंक 1 है, हाँ 1 है। दिस इज द फ्रंट लुक, लॉन्ग लाइफ बैटरी लाइफ है, देन UHF है, नो डिस्ट्रोशन एंड रिसीवर प्लग एंड प्ले। सो हम इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ से है कुछ, ओ यहाँ पे MRP कितना लिखा है 3,900, मतलब 4,000 का है बट इतने का नहीं है, कम में मिल जाएगा आपको। ओके तो ऐसे कोई इसको ओपन होता है। सबसे पहले एक मैनुअल मिल जाता हमें तो आप देख सकते हो, अगर इसको रीड करना है तो रीड कर सकते हो बट मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। करने के लिए इसको भी लगा सकते हम। देन इसके बाद एक केबल दिया है टाइप सी केबल जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ होता है, मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। एंड ये है एक फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए और ये दो रिचार्जेबल बैटरीज है आपको मिल जाती है, इसके साथ मिल जाती है, आपको बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रिसीवर, सो यहाँ पे हेडन का ब्रांडिंग है। ओके एंड यहाँ पे आपका टाइप सी केबल जाएगा जो कि इसके साथ दिया हुआ है, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, ऐसे 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 लग जाएगा, निकाल भी सकते हो। एंड ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, अभी ऑफ है। और यहाँ पे दो लाइट्स की इंडिकेटर है वो हम देखेंगे वीडियो में। ओके और ऐसा कुछ है, यहाँ पे चला जाएगा, ये एंटीना है इसका और इसका जो रेंज है वो है 50 मीटर, आप इजीली जितने भी दूर हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसका बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको, स्प्रिंग वाली साइड यहाँ पे जाएगी। देन उसके बाद इसको जस्ट ऐसा करके आपको लगा देना है, ऑन ऑफ बटन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट शो हो रही है, देख सकते हो आप। देन उसके बाद जब हम कॉर्डलेस माइक को कनेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। चार्जिंग का जो है इसका सिस्टम मैंने देखा तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने चार्ज लगाया तो रेड कलर का लाइट आपको दिखेगा, 2-3 आवर्स लेगा ये चार्ज होने में, देन ऑटोमेटिकली रेड लाइट ऑफ हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बैटरी फुल जाएगा या कुछ हो जाएगा। एंड दोनों रिचार्जेबल है, मैंने जो चार्ज किया था वो 18 वाट का चार्जर है, रेडमी नोट 8, तो ईजिली चार्ज हो जाता है। नाउ सी द माइक, ये तो मेन चीज़ है, तो माइक की क्वालिटी को जैसी है तो जूम करके दिखाते हैं। फुल ब्लैक में मिल जाता है और ये हमारा मैटी फिनिश में है, यहाँ पे हेडन का ब्रांडिंग है, यहाँ पे स्क्रीन है, ये पावर का ऑन ऑफ बटन है और इसको हम निकाल के देखते हैं कैसा है इसके अंदर का क्वालिटी, टाइट है तो आप देख सकते हो कितना भाई कितना लंबा है, और निकल गया। सो ऐसा है इसके अंदर का है, सही है सही है। बाकी तो हम भाई साउंड चेक करेंगे फिर पता चलेगा ऐसा है। तो इसके साथ यही वाला बैटरी यूज़ करना है जो इसके साथ मिला है, अगर आपको और भी परचेस करना है तो ऐसे बैटरीज मिल जाती है रिचार्जर वाली तो आप वो ले सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसका कवर, तो ये इसका कुछ स्क्रीन है ऐसा, तो ऑन किया तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करने के लिए बस वन टाइम क्लिक करना है, वन टाइम क्लिक बस को इसको ऑन करना है, जस्ट आपको इसमें क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, पेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से बंद किया ये ऑफ हो गया, फिर से ऑन किया कनेक्ट हो गया,
काफ़ी फास्ट सिंग करता है। ये तो मैंने ना गलती से ऑन करके रख दिया था, तो ये 6 घंटे तो चली गया था ऐसे। और इसका जो बैटरी लाइफ है वो आपको मिल जाएगा 5 से 6 घंटे का। ओके, एंड चार्ज करने का जो सिस्टम है वो तो मैंने आपको बता दिया, चार्जर से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेमोरी कार्ड भी डलता है फिर यहाँ से निकल भी जाता है, इसका वीडियो बना रखा है। इस रिसीवर को चार्ज करूँगा फ़ोन से, कुछ गया यहाँ पे आ गया टाइप सी का, ये जाएगा मेरे फ़ोन के अंदर हेड के इसमें रिसीवर में। जैसे डालेंगे तो इसमें आप देख सकते हो रेड कलर का इंडिकेशन आ गया और ये रेडी रहेगा। उसके बाद जब ये चार्ज हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। पावर बैंक से भी कर सकते हो। सो इसका जो प्राइस है वो पड़ेगा आपको 1600 का। तो अमेजोन पे क्या होता है कि अप डाउन रहता है, तो लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और अगर आपको 2 माइक चाहिए, एक रिसीवर जैसे ऐसा और एक माइक और ये एक रिसीवर अगर आपको चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट बॉक्स में, देख लेना। तो ऐसा ही पूरा ले लिया सेट जिसमें एक रिसीवर एंड एक माइक है, आपने और एक परचेस किया सेम ऐसा, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी सेम है, तो वो दिक्कत करेगा। एक रिसीवर लो एंड 2 माइक वाला लो। अभी हम चलते हैं इसका साउंड टेस्ट करने। सो नाउ सिंपली हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं इसमें कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। सो कैमरा को करते टर्न थोड़ा सा। तो सिंपली ये मेरे पास है अभी यामा का मिक्सर MG10SQ एंड ये मेरे पास स्पीकर है ऑल्टो का। मिक्सर हमेशा पहले ऑन करना होता है, तो मैं 1 पे डाल देता हूँ या 2 पे डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया। एंड नाउ यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। ओके, देख सकते हो गया, इसे ऑफ किया, ये लाइट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये नॉर्मल साउंड दे रहा हूँ यहाँ से, चेक चेक ऐसा है। और ट्रेवल वगैरह सब इसको 50 कर देते हैं। ओके, एंड रिवर्ब इसका भी ऑफ है। और अभी टर्न करते कैमरा को थोड़ा सा। सो ये कुछ इसका साउंड टेस्ट है। अभी इसका जो वॉल्यूम वगैरह गेन वगैरह सब 50 में कर रखा है मैंने। और ऐसा कुछ देख सकते हो, यहाँ से आ रहा हूँ मैं, चेक, हेलो हेलो हेलो, तो ऐसा कुछ क्वालिटी है। एंड अभी थोड़ा सा मैं कैमरा को इसी कर लेता हूँ। ट्रेवल देखे देखते चेक चेक चेक, हेलो, ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि घर पर है। एंड इसका मिड चेक, हेलो हेलो, सही है। बेस, हेलो 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 हेलो, ठीक है, 0 कर दिया बेस, बेस हेलो 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 चेक। एंड नाउ इसका वॉल्यूम, हेलो हेलो, ज़्यादा करेंगे तो फिर नाउ चेक द रिवर्ब, हेलो। शाम सवेर तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं दड़वाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम। तो इसका जो माइक की क्वालिटी है काफ़ी मुझे सही लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही है, मैटी फिनिश आपको मिल जाता है इसमें। एंड रिसीवर का जो रेंज है वो भी काफ़ी सही है, 50 मीटर तक मिल जाता है, 50 से 40 मीटर ऐसे मिल जाएगा आपको। हाँ, एंड क्रिस्पीनेस मिल जाता है इसकी, जो साउंड की जो क्रिस्पीनेस है वो काफ़ी सही है। एंड ज़्यादा मतलब इतना तक रखोगे तो इजीली आपको साउंड मिलेगा। अगर आपको नीड है तो आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। इसका जो रिसीवर है उसमें आपको टाइप सी वाला मिलता है पोर्ट, बाकी अदर ब्रांड्स वाले जो भी मिलते हैं उसमें माइक्रो वाला मिलता है। टाइप सी वाला आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, जस्ट लाइक ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, तो आप इजीली रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी बैटरीज मिल जाती हैं अमेज़न पे, कम रेट पे मिल जाती है, 200-300 का मिल जाता है, 2 बैटरीज मैं देखा था, तो वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ है तो काफ़ी सही लगा मुझे। इसमें एक चीज़ मिला था वो मैं आपको दिखाया नहीं, और इसके साथ ये वाला चीज़ मिला था। तो ये क्या काम करता है, जस्ट लाइक माइक के अंदर डाला आपने ये, और ये आपका, और ये कभी अगर आपने टेबल पर रखा या कहीं पर रखा तो गिरने का चांस रहता है, लेकिन ये ऐसे रहेगा तो गिरेगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड आप लगा सकते हो, काफ़ी बढ़िया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। तो ऐसे वीडियो के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।